हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है, अरेंज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ वॉकिंग ऑन द फॉलोइंग सरफेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं कि किस सरफेस पर ज़्यादा दिक्कत होगी और किस पे आसानी से चला जा सकता है। तो डिफिकल्टी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर हमें जमाना है, यानी सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट किस सरफेस पर चलना होगा वो सबसे आगे रहेगा, और सबसे ज़्यादा इजी जिस सरफेस पर होगा वो सबसे पीछे रहेगा। अब देखिए, इजी एंड डिफिकल्ट इनको डिफरेंशिएट कौन करेगा या पता कैसे चलेगा कि कहाँ चलना इजी होगा कहाँ चलना डिफिकल्ट होगा? तो ये डिपेंड करेगा फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द सरफेस, यानी जो सरफेस है वो कितना फ्रिक्शन ऑफर कर रहा है। जो जितना ज़्यादा फ्रिक्शन ऑफर करेगा उस पर चलना उतना ही इजी होगा। जहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू जितनी कम होगी वहाँ पर चलना उतना ही टफ होगा। अब देखिए, इन चारों में से किसका फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होगा? तो हम बात करें कंक्रीट सरफेस की बच्चों। कंक्रीट सरफेस क्या है? रफ है। यानी इन चारों ही सरफेस में से सबसे ज़्यादा रफ कौन है? कंक्रीट है। यानी ये सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन ऑफर करेगा, यानी कंक्रीट सरफेस पर चलना सबसे ज़्यादा ईजी होगा। तो बी वाले पर चलना सबसे ज़्यादा ईजी होगा। इसके बाद ये देखिए, ये मार्बल है, ये भी मार्बल है, और ये वुडन फ्लोर है। तो लकड़ी जो है बच्चों वो मार्बल की तुलना में कहीं ज़्यादा खुरदरी होती है। तो इसका मतलब कंक्रीट सरफेस के बाद जो वुडन सरफेस होगा वहाँ पर चलना ज़्यादा ईजी होगा। इसके बाद वेट मार्बल है, ड्राई मार्बल सूखा हुआ है, यानी फ्रिक्शन थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी। और सबसे कम फ्रिक्शन होगा वेट मार्बल पर। एक तो मार्बल है, ऊपर से वेट है, यानी ल्यूब्रिकेंट लगा हुआ है, गीला है, तो ज़्यादा स्लिपरी सरफेस होगा, तो वहाँ पर चलना सबसे ज़्यादा टफ होगा। तो ये हो जाएगा सीक्वेंस। सबसे ईजी होगा चलना कॉन्क्रीट पर, उसके बाद वुडन फ्लोर, उसके बाद ड्राई मार्बल, और सबसे ज़्यादा टफ होगा चलना वेट मार्बल पर। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? बी, ए, डी, सी, ऑप्शन सी मैच हो रहा है। तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी मच।